हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई की तरह कदम से कदम मिला करके हमेशा चलने वाले भाई राजू राइन जी, हमारे बड़े भाई निजाम अंसारी साहब, हमारे बड़े भाई जज जी, हमारे भाई माता को हाथी लगा रहे हैं। मैं तारे के साथ कहना चाह रहा हूँ, आने वाले जो भी कर छूट गया तमिलनाडु मोदी जी के सरकार में, शिविर में क्या रह गया था जी मंत्री जी? आज देखा गया कि जन चौपाल लगा गया, किस लिए सर जन चौपाल लगाई गई? आज बलिया शहर के राजेंद्र नगर मोहल्ला जो राजनीतिक तौर पर बहुत ही जागरूक है, और किसी जमाने में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी यहाँ की गलियां चमचमाती रहती थी, कभी भी नालियों में गंदा पानी जमा नहीं रहता था, कभी भी कोई स्ट्रीट लाइट बंद नहीं नजर आती थी, कभी भी कहीं कूड़ा का अंबार नहीं दिखाई देता था। इन सारे सवालों को लेकर के राजेंद्र नगर सहित पूरे नगर क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जन समस्याओं के निदान के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के पिछले दिनों समाजवादी पार्टी नगर के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हम लोगों ने आंदोलन का शंखनाद करने के लिए, लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग, लोगों का मन जानने के लिए लगातार जन चौपाल कर रहे हैं शहर में। उसी कड़ी में आज राजेंद्र नगर में भी जन चौपाल का आयोजन हुआ था। लेकिन जो समस्याएं आ रही है तो इसको किसको माना जाएगा, मतलब कि सरकार की कमी है या नगर पालिका इस पर नाकाम है? देखिए, एक तरफ तो जो हाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारी योजनाओं को, जैसे वो सीवर का योजना हो, लोहिया बाजार का योजना हो, वो योजनाएं जिनको हम लोगों ने चालू करने का काम किया था, अंडरग्राउंड जो हमारे यहाँ केबल डाला जा रहा था बिजली का, आज भी खंभे पर तार लटका हुआ दिखाई दे रहा है। यह योजना की स्वीकृति माननीय अखिलेश यादव जी ने 2016 में ही कर देने का काम किया था। यह अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, धीमी गति से क्यों चल रहा है? पैसा नहीं दे रही है सरकार। इसलिए हम इसके लिए सरकार को भी और नगर पालिका प्रशासन को, दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं, खासतौर से नगर पालिका को, इसलिए कि यहाँ पर जो पैसा हमारी सरकार में 22 करोड़ रुपया हम लोगों ने छोड़ के जाने का काम किया था, खजाना खाली नहीं था नगर पालिका का जी, उस पैसे को लूटने का काम कर रही है वर्तमान समय की नगर पालिका प्रशासन, चाहे यो हो चेयरमैन हो, और बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए सफाई के नाम पर 32 लाख रुपया, जहां 7.5 लाख रुपया में शहर हमारा साफ रहता था, वहां 32 लाख रुपया प्राइवेट कंपनी को देकर के साफ करा रही है। हमारी मांग है कि विभागीय सफाई का काम कराया जाए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए और लूट को भी खत्म किया जाए। लेकिन देखा गया कि अभी फिलहाल में जो मोदी जी 4 साल का अभी बता रहे हैं, 4 साल काम किए हैं, अभी इन लोग का प्रेस वार्ता चली है कि 4 साल मोदी का बेमिसाल, इस पर क्या राय रहेगी? हम गांव के रहने वाले लोग हैं, एक बेहया आदमी था जिसके शरीर पर पेड़ पैदा हो गया, उसको शर्म नहीं आ रही थी और उसको भी अपनी उपलब्धि बता रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहया है, जिसने कुछ नहीं किया उसके बाद भी ताल ठोके कर रहे हैं कि बेमिसाल है, बिल्कुल बेमिसाल है, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लूट के लिए, अराजकता के लिए यह बेमिसाल है। आजादी के बाद आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी थी जिसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो। जी, जन चौपाल कहाँ कहाँ रखा? जन चौपाल पूरे शहर में हर वार्ड में रखा जाएगा, लोगों को जगाया जाएगा, और 12 तारीख को नगर पालिका परिषद के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल समाजवादी पार्टी के तरफ से किया जाएगा। जी, एक आपका पर्चे। जमाल आलम, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी सर, आज किस तरह की सर जन चौपाल लगाई गई थी और ये कहाँ पे लगाई गई थी? जब से उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आज तक मन की बात करके नरेंद्र मोदी देश की जनता को सुला दिए हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग जन चौपाल लगा करके
गली गली घूम करके देश की जनता को जगाने का काम करने के लिए ये जन चौपाल लगाने का काम कर रहा है। जन चौपाल लगाने का क्या मतलब हुआ? जन चौपाल लगाने का मेन मकसद ये है कि जो आज आप दयनीय स्थिति देख रहे हैं, प्रदेश ही नहीं हम बलिया से शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बलिया की धरती पर जन चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आजादी का बिगुल बलिया ने फूका था, इसलिए हम लोग जन चौपाल के माध्यम से इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए और जनता जो ठगी जा रही है उसको जगाने के लिए जन चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। ये जन चौपाल जो लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें देखी जा रही है कि लोगों का एकत्रित होना और उनके बीच जो संदेश जा रहा है, एक संदेश के माध्यम से उनके तक क्या क्या आप लोगों ने पहुंचाया? देखिए, हमारे जनपद की जनता त्राहिमाम मचाई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से, इसलिए जन चौपाल में लोग एकत्रित हो रहे हैं कि अगर वास्तव में इस जनपद का अगर विकास कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय के माध्यम से ही इस जनपद का विकास संभव है, इसके अलावा कोई जन नेता आ जाए उससे विकास संभव नहीं है, इसलिए हम लोग जन चौपाल के माध्यम से तमाम जनता में यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जनता जनार्दन आप ही की बदौलत इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सरकार आज देख रहे हैं महंगाई के नाम पर पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल 80-85 रुपया हो गया, सब्जी का भाव महंगा हो गया, गरीब के थाली से सब्जी खत्म हो गया, इन तमाम सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी निरंतर विकास करने का काम की है। समाजवादी पार्टी अपने विकास के नाम पर इसी जन चौपाल लगाने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में जनता को हम लोग ऐसा जगाएंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। पीएम केयर फंड के नाम पर आज तक कोई संदेश देने का हिसाब देने का नाम नहीं लिया। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कोरोना के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और लूट लिया गया, कितने लोग कोविड इंजेक्शन लगा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, किडनी खराब हो जा रही है, उसका जांच कौन किया? जब से वो कोविड आया है, इंजेक्शन आया, उसका जांच भी नहीं हुआ और जनता के बीच में उस कोविड को लगवाया जा रहा है, कितने लोगों का किडनी खराब हो रहा है। हम लोग जगाने के लिए जनता के बीच में अब आ गए हैं और इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क को गर्म करके इस सरकार निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, इसलिए हम लोग जन चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।